अस्सलामुअलैकुम सत श्री अकाल केम छो नमस्ते आदाब। मैं आपका दोस्त जैक आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडा बॉयज़ एंटरटेनमेंट पे आ चुका हूँ। दोस्तों इस वक्त हम लोग हैं लखनऊ में और आप सब लोग जानते हैं कि वीडियो आज ही पड़ रही है और इंशाल्लाह हम सब की कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और ये वीडियो कोई सेल वीडियो नहीं है, लास्ट डेज में कौन सी सेल वीडियोज़ आ भी सकती हैं, ये शौकिया वीडियोज़ हैं जो भाई लोग कुर्बानी करते हैं, जिसे असल कहते हैं कि बकरे को पहले पालें जिससे लगाव हो, फिर उस प्यारी चीज़ की आप कुर्बानी दीजिए अल्लाह ताला के नाम से, अल्लाह ताला के हुक्म से। तो वैसे ही हमारे भाई हैं जो कि लखनऊ के हैं और ये एरिया लगता है लखनऊ में नादान महल रोड लगती है ये ऐशबाग में, और हमारे ये भाई हैं अनस भाई। अनस भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं भाई। काफ़ी अच्छा लगता है, इंसान पूरे साल रमज़ान के दो महीने के बाद इंतज़ार करता है कि बकरा ईद आएगी। जी जी, जैसे जैसे दिन जानवर इंसान ख़रीद के लाता है, जितने प्यार से पालता है, फिर जैसे जैसे जब दिन करीब आने लगते हैं तो थोड़ा थोड़ा दिल में ये होता है कि मैंने इसको एक साल पाला है, दो साल पाला है, मेरी चीज़ है। और वही असल कुर्बानी है कि इसमें आपको थोड़ा सा दर्द हो, कोई चीज़ आप कुर्बान कर रहे हैं। असल कुर्बानी का मतलब यही है जी भाई, पाल की कुर्बानी कराने का जो सवाब है और अहमियत है जो उसकी वो बाकी है। असल कुर्बानी जो है, असल कुर्बानी जो इसे कहते हैं कि कुछ कुर्बान आपने किया है अल्लाह ताला की। हम आप सब बकरों को माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पालते हैं, एकदम अपने बच्चों के तरीके पालते हैं बकरों को, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। बहुत बहुत शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम मुसलमान हैं और इतने अच्छे जानवर हमें पालने की इजाज़त है जो बहुत पाक हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हम लोग पाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा शौक़ है कि इंसान जो ये बकरे के शौक़ में आ जाता है कभी गलत शौक़ में नहीं जाएगा। जो बच्चा बकरों के शौक़ में आ जाएगा वो कभी गलत शौक़ में या किसी गलत राह पे नहीं जाएगा। तो अनस भाई हमसे पहली बार अपनी वीडियो बनवा रहे हैं और ये सिर्फ शौकिया वीडियो है कि भाई की एक याद रहेगी, याद के तौर पर हमारे उसमें एक उसमें लिस्ट में रहेगा यूट्यूब पर भाई, याद रहेगी कि इस साल हमने बकरा ऐसा तैयार किया था। हमने तैयार किया फर्स्ट टाइम भाई वीडियो बनवा रहे हैं। माशाल्लाह बकरा आपको मैं दिखा देता हूँ शॉर्ट्स में, आपने देखा बहुत प्यारा बच्चा, एक साल दो महीने के से बकरे से, दो महीने पहले इनको हम लाए थे पिछली लास्ट बकरे से जी, और अब हाँ आज इनको पालते हुए हमें एक साल दो महीने नेट हो गया पूरा। एक साल दो पिछली बकरी से नेट दो महीने पहले लाए थे, 14 महीने मतलब हो गए, 14 महीने आप 14 महीने से हमारे पास हैं माशाल्लाह। ईद के बाद लाए थे आज से वही एक साल पहले पहले। तो भाई माशाल्लाह इनका कुछ नाम है भाई, नाम तो रखा होगा भाई कुछ ना कुछ, ये नाम सुल्तान, सुल्तान माशाल्लाह उमदा कपड़े साहब को अच्छा लगा वो सुल्तान नाम हमने। भाई सुल्तान नाम हर किसी को अच्छा लगता है और हर बकरा हर किसी के हिसाब से उसका बकरा सुल्तान ही होता है, ये सही सुल्तान होता है। ये सुल्तान है, ये अनस भाई के सुल्तान है जी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत चंचल वगैरह है, एकदम इधर से उधर भाग रहा है और रुक ही नहीं रहा है। ये दिखाई देता है कि भाई बकरे घर के बने, इस चीज़ से पता चलता है कि जाना चाह रहे हैं, बस ये ऊपर जाना चाह रहे हैं, ये ऊपर जाना चाह रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे जो रखा होगा बस जाके खाना शुरू कर देंगे माशाल्लाह। भाई उस हिसाब से फिर इनकी उस हिसाब से डाइट भी देते होंगे, जो चाहते होंगे वो खिला देते होंगे। जी जी जी, डाइट इनकी बंदी भी है पर डे के हिसाब से, सुबह 4 टाइम की इनकी डाइट बंदी भी है। अच्छा, 4 टाइम में सुबह इनको पत्ते भीगे चने और शाम में जो है इनके सूखे आइटम दूध, तब माशाल्लाह बकरे ऐसे तैयार होते हैं। दूध पीता है बच्चा, ये दूध पीता है माशाल्लाह। और उसके अलावा शाम को इनकी सानी इनकी लगती है, शाम की सानी लगती है, अभी इनकी सानी बनी तैयार है। ये भूखे हैं तभी से लग रहा है भाग रहे हैं, ये भूखे इसीलिए परेशान है, भागे परेशान है बचाने के लिए। प्रॉपर डाइट बनती है ना पर डे की, तो उसी हिसाब से इनका टाइम हो गया, भूख का टाइम आधा घंटा ओवर ही हो गया भाई। माशाल्लाह बहुत शानदार लगे आपके सुल्तान भाई, कुर्बानी की चीज़ है, मैं उस पर कुछ पूछ नहीं सकता, लेकिन फिर भी लोग जानना चाहते हैं कि आप बकरा माशाल्लाह शौक़ के तौर पर तैयार करें ताकि लोगों का शौक़ बढ़ रहा है। शौक़ आप भाई ये लगभग कितने किलो का होगा आपका अंदाज़ा, कुछ बता सकते हैं भाई? भाई मेरे आइडिया से एक अराउंड 1 तो होगा ही, एक 5 एक 10 होगा। बिल्कुल सही बोला भाई, आप इतने पुराने शौकीन हैं और आपकी नज़र के हिसाब से हमारे तब ये था उस टाइम पे करीब 40 या 50 किलो का, 40 या 50 किलो का माशाल्लाह। भाई 14 महीने की मेहनत है, ये 14 महीने की मेहनत है, 14 महीने की मेहनत देखिए माशाल्लाह क्या हुस्न है बकरे का, उनका चेहरे से लेकर के पूरा नीचे तक आप देखिए, सीना देखिए बकरे का भाई। देखिए बकरा तैयार करना, आप दिल लगाएंगे बकरे के साथ, बकरा बनेंगे तो फिर बकरा वैसा बनेगा भी।
ऐसा नहीं होता कि आप लाए ध्यान नहीं रख रहे हैं, किसी को लगा दिया। बकरे के साथ एकदम इस तरह से व्यवहार करना पड़ता है कि जैसे बस वो घर का आपका पला आपका भाई है या आपका बेटा है, इस तरह से फैमिली मेंबर ही में आते हैं, बस फैमिली मेंबर में आते हैं। माशाल्लाह कल के दिन इंशाल्लाह कुर्बानी हो जाएगी। तो भाई कैसा लगता है जब इसे पालिए उसके बाद एक दिन कुर्बानी होती है? जाने की अमानत है, अल्लाह की अमानत कह सकते हैं इसको जी। ये तो शौक है बस, बाकी कुर्बानी तो होनी है, होनी होनी है बेशक। इंशाल्लाह फिर कोई पालेंगे बकरा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर पालेंगे। अपने साल के शौक आपको एक बकरा दिखाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह बकरा बहुत ज़बरदस्त है, माशाल्लाह शानदार। क्या तो ये थी वीडियो अनस भाई के वहाँ की, जो कि लखनऊ के नादान महल रोड पे आइशबाग पे भाई का घर है। और अनस भाई माशाल्लाह अच्छे वगैरह तैयार करते हैं। ये वीडियो भाई समझ लिए हमारे कहने पे और भाई के स्पेस लिए बन रही है ताकि लोगों का शौक बढ़े और एक याद के तौर पे अपने पास एक क्लिप भी रहे, एक क्लिप रहे और आदमी के अंदर खुद ही शौक बढ़ेगा देख के कि भाई यार भाई हम भी पाले और वो असल पाल के कराएं। सब आपका ही काम कह सकते हैं उसको अभी इंशाल्लाह। तो अनस भाई ने देखिए बहुत अच्छी बात बताई कि पाल की कुर्बानी कराइए इंशाल्लाह, उसमें अल्लाह ताला बरकत देता है बकरे में इंशाल्लाह। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी चीज़ ज़ाया जा रही है, दूसरों से अच्छी आपको आपकी चीज़ लगेगी माशाल्लाह। कहीं मंडी आपको ऐसे जाना नहीं पड़ेगा कि आप खुले जानवर ढूंढ रहे हैं, और जो पली हुई चीज़ होगी वो असल मोहब्बत होगी, असल कुर्बानी वही है। तो इस वीडियो को भाई अब यहीं एंड करते हैं इंशाल्लाह। अब एक साल का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा भाई के वहाँ वीडियो देखने के लिए इंशाल्लाह। हम आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हम लोगों की उम्र बख्शी तो आगे देखने को मिलेगा और अच्छे अच्छे शौक आपको देखने को मिलेंगे। और एक बकरा है इंशाल्लाह, अगर हो सकता है कि और देखने को मिल जाए तो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं अनस भाई के सुल्तान के साथ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी आप सबकी कुर्बानी कबूल फरमाएं। आमीन। अल्लाह हाफिज़।